वेलकम टू टीपीएस जैसे इसके अंतर्गत आज हम भूगोल कक्षा 12 की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं और भूगोल में जो प्रमुख पॉइंट्स है पार्ट फर्स्ट और अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है जनसंख्या वितरण जन घनत्व एवं इस पर आज हम चर्चा करें। यानी भूगोल में जो पाठ स्पष्ट है उसका अध्याय नंबर 3 जिसका जिसमें पाठ का नाम है जनसंख्या वितरण जन घनत्व और देखो इन तीनों टॉपिकों पर हमने 11वीं क्लास में या 6वीं क्लास में थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर की है और इनसे हम परिचित थे, लेकिन यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन है। देखो जनसंख्या वितरण, वितरण क्या है? तो जनसंख्या वितरण की जब हम चर्चा करते हैं तो जनसंख्या का पूरे संसार में समान वितरण में वितरण से हमारा यहाँ आशय यह है जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या का फैलाव यानी स्थानीय स्तर पर जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है, अर्थात कौन सा स्थान सघन रूप से बसा है, कौन सा स्थान है जो विरल रूप से बसा हुआ है, किस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का वितरण कहते हैं। तो संसार में भी ये बात है कि विश्व में सभी जगह समान रूप से जनसंख्या वितरण नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि मानव का इस पृथ्वी पर जब से प्रादुर्भाव हुआ, यानी अर्थात मानव ने इस पृथ्वी पर जब से अपना यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की तभी से विभिन्न प्रकार की ऐसी जटिलताओं के कारण मानव की जो गतिविधियां थी उनके कारण विभिन्न प्रकार की जटिलताएं आई और इन्हीं जटिलताओं के कारण जनसंख्या में स्थान विशेष पर वितरण है वो असमान प्रतीत हुआ। अब देखो यहाँ पता है कि राजनीतिक तौर पर हम देखते हैं कि मानव के प्रसार के बाद की जनसंख्या में ये वितरण है वो अलग अलग प्रकार से अध्ययन के लिए हमें देखने को मिला। अब आता है वितरण के प्रतिरूप, वितरण के जो प्रतिरूपों की हम बात करते हैं मानव भूगोल में मानव सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है और मानव की क्रिया का भी मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जब हम वितरण का प्रतिरूप हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि संसार का एक मानचित्र हमें दिखाई दे रहा है, इस मानचित्र में जो भूभाग है उस भूभाग के 80% भूभाग पर 20% जनसंख्या निवास करती है और 20% भूभाग पर 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात इससे प्रतीत होता है कि संसार का जो ये प्रतिष्ठल है इसके बहुत कम क्षेत्र पर तो बहुत अधिक जनसंख्या और बहुत अधिक क्षेत्र पर बहुत कम जनसंख्या, ये प्रतीत करती है कि जनसंख्या का असमान वितरण है। इसी के अंतर्गत हम आज देखते हैं जैसे ये जीरो डिग्री है अक्षांश रेखा, यह संसार को दो भागों में अर्थात पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इस जीरो डिग्री के उत्तर वाला या उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और जीरो डिग्री के दक्षिण वाला यह है दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या का विश्व जनसंख्या का 85% भाग, लगभग 85% भाग यहाँ पर निवास करता है और
कॉन्सेप्ट इंडक्शन हो रहा है कि कौन से पौधों का प्रति सप्ताह में निवास करता है, ये भी जनसंख्या विपणन के एस मान वितरण को प्रदर्शित करता है। तीसरी बात आती है कि ये जो जनसंख्या का सबसे ज्यादा फैलाव है, जनसंख्या का जो फैलाव है ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और सेकेंडर है अर्थात 80% जनसंख्या इन्हीं अक्षांशों के बीच पाई जाती है, अर्थात ये 20 डिग्री है, ये हो गया आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन दोनों अक्षांशों के बीच संसार का 80% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद आता है कि दो तिहाई जनसंख्या यानी 2/3 कुल जनसंख्या का 2/3 एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करता है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में, तो ये यूरोप है और ये है एशिया, इन दो महाद्वीपों में ही अकेला निवास करता है। लगभग संसार का जो ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, इस मानचित्र में पानी की स्थिति तो ज्यादा है, समुद्र स्थिति और बसने योग्य जो जमीन है उसका 50% भाग ऐसा है जो विकट स्थिति के कारण बसने योग्य नहीं है, अतः इस क्षेत्र को निर्जन क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस कारण से जनसंख्या का जो विकरण है वो विभिन्न रूप में हमें भिन्न भिन्न प्रकार का मिलता है, ऐसा मिलता है, इसका मुख्य कारण मानव की विभिन्न प्रकार की जटिलताएं ही हैं। अब आता है जनसंख्या विकरण और जनसंख्या घनत्व में अंतर। जनसंख्या विकरण वजन घनत्व में अंतर, वैसे देखा जाए तो दोनों के जो शाब्दिक अर्थ है इनको देखने के लिए यह लगता है कि समान है, लेकिन ये दोनों समान नहीं है। ये स्थानिक स्तर के फैलाव को प्रदर्शित करता है विकर्ण है, जबकि जन घनत्व जनसंख्या के क्षेत्रफल और जनसंख्या की आकार के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये फैलाव को बताता है। जनसंख्या के क्या बताता है, जनसंख्या के फैलाव को बताता है और स्थानिक स्तर की बात करता है, स्थानिक स्तर के अनुमान या मापन कह सकते हो, स्थानिक स्तर के मापन के काम आता है। जबकि जन घनत्व किसी जन घनत्व का सूत्र हो गया, जन घनत्व है बराबर होता है जनसंख्या अपॉन क्षेत्र, अर्थात किसी एक निश्चित स्थान की जनसंख्या और क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहेंगे, जन घनत्व। ये दोनों जो बातें हैं विकर्ण और जन घनत्व, ये जनसंख्या के अंतर्गत आती है और जनसंख्या क्या होती है, किसी भी स्थिति हमें जनसंख्या का ज्ञान होने पर हम उससे स्थान की विकास योजनाएं या अन्य प्रकार के कोई लाभ है सबको निर्धारित कर पाते हैं, अतः इनका उपयोग जनसंख्या आंकड़ों में भी होता है। अब आता है जनसंख्या विश्व जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण विश्व जनसंख्या, देखो विश्व जनसंख्या है उसका वितरण है वो भी समान नहीं है। समय 2013 के अनुसार ये यूएन की रिपोर्ट थी, यू
एंड फूड प्रोडक्शन की ये रिपोर्ट थी। उसके अनुसार संसार की जनसंख्या की टोटल 714 करोड़ और ये क्षेत्रफल था 6.38 वर्ग लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस कितने क्षेत्रफल में इतनी जनसंख्या निवास कर रही है ये आंकड़ा था 2013 का। और इस आंकड़े के अनुसार अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो संसार का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है एशिया और सबसे छिद्रा या अधिकतम आबादी वाला है और सबसे कम है ओशिनिया। ओशिनिया का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया और प्लस में न्यूजीलैंड जो हम इसको तस्मान द्वीप के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया ये न्यूजीलैंड और ये तस्मानिया इन तीनों को मिलाकर के ओशिनिया बनता है। यहां पर पूरे संसार का कुल को आधा प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है। कितने प्रतिशत? 80%। लेकिन एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या अकेले में निवास करती है। इसके साक्षात प्रमाण यह है कि एशिया महाद्वीप के जो देश है विकट में जब हम देशों को देखते हैं तो देखो सबसे मैं दो तीन उन देशों का आपको चित्र बना के बता रहा हूं। ये रूस है, ये चाइना ये मंगोलिया इधर ये किराना भारत हो गया ये पाकिस्तान हो गया ये पाकिस्तान है ये भारत है ये छोटा सा बांग्लादेश है ये भूटान है और इधर चलते हैं तो ये श्रीलंका है यहां ये इंडोनेशिया है ये यूएसए है ये कनाडा है ये ग्रेट ब्रिटेन है यूके कहते हैं इसे और ये हो गया फ्रांस ये हो गया ब्राजील ये आपका अर्जेंटीना है अर्जेंटीना ये दक्षिण अफ्रीका यहां ये तंजानिया ये हो गए ये कांगो बेसिन ये हो गया नियम की वाला ये यहां है मिस्र। तो यहां पर जब हम जनसंख्या की बात करते हैं संसार में देशों की बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या है जनसंख्या की दूसरी से संसार में पहला नंबर चीन का जो एशिया महाद्वीप में हाँ एशिया दो नंबर पर अपना देश भारत आता है ये भी एशिया महाद्वीप में। तीन नंबर पर आता है यूएसए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। चार नंबर पर आता है इंडोनेशिया इंडोनेशिया भी कहां है इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में। पांच नंबर पर आता है ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। छह नंबर पर आता है पाकिस्तान ये एशिया महाद्वीप में। सात नंबर पर आता है आपका रूस ये भी एशिया इसे यूरेशिया कह सकते हैं यूरेशिया महाद्वीप में। इसी प्रकार आठ नंबर पर आता है बांग्लादेश ये बांग्ला बांग्लादेश जो एशिया महाद्वीप में। इसके बाद आता है नौ नंबर पर जापान ये भी एशिया महाद्वीप में और लास्ट 10 नंबर पर आता है नाइजीरिया
ऐसे हैं जो केवल और केवल एशिया महाद्वीप से ही बिलोंग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एशिया महाद्वीप स्वतंत्र बसावा यानी विकट जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, जबकि ओशिनिया जिसको ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड दोनों को जोड़ने पर बनता है ये संसार की ओनली फोर अधिक जनसंख्या ही रखता है। अब इसके बाद आता है संसार में ये जो जनसंख्या बढ़ती है, वैसे जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बात का निर्णय नहीं योग्य है कि जो जनसंख्या बढ़ती है जहां पर अधिक होती है वो देश कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो देश जो विकासशील है, विकासशील है वह अर्थविकसित इस प्रकार के देशों में जनसंख्या का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही अधिक रहता है। हमने देखा है अभी देखा जो देश थे इनमें से विकसित देश थे वो जैसे चीन है विकासशील है, भारत विकासशील है, पाकिस्तान विकासशील है, श्रीलंका विकासशील है, इधर ये दो विकसित देश थे कनाडा और यूएसए, लेकिन ब्राजील है विकासशील देश है। इससे स्पष्ट होता है कि विकासशील देशों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब आता है संसार में ये जो जनसंख्या का वितरण है और वितरण की दृष्टि से संसार को हम चार भागों में बांट सकते हैं, यानी जनसंख्या वितरण की दृष्टि से जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ रहे थे और विश्व में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से पूरे विश्व को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आता है इसमें सबसे सघन जनसंख्या वितरण प्रदेश, दूसरा आता है सामान्य जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश, इनमें आता है विरल जनसंख्या प्रदेश और चार नंबर आता है अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। देखो सबसे पहला है सघन जनसंख्या, सघन जनसंख्या प्रदेश वो प्रदेश है जो जनसंख्या के फैलाव की दृष्टि से अति सघनता रखती है और ये प्रदेश संसार के पांच, देखो पहला है ये जो एशिया महाद्वीप है इसको आप इस प्रकार से दिशा में बांट सकते हैं, ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये है पश्चिम। एशिया में तीन भाग है जिनमें पहला आता है पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया का क्षेत्र है ये चीन है, ये जापान है और ये कोरिया भी है। दूसरा आता है पूर्वी एशिया के भाग में दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत भी है, दक्षिण पूर्व के स्थान है जिनमें यहां सबसे पहले आता है म्यांमार के बाद लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इधर आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो द्वीप, यहां तक के लिए जो क्षेत्र है ये सुंदर बसा वाले क्षेत्र है, ये किस एशिया में आएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया। उसके बाद आता है दक्षिणी एशिया, कौन सा आता है दक्षिणी एशिया और दक्षिणी एशिया में जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका, ये क्षेत्र दक्षिणी एशिया है। अर्थात सघन जनसंख्या वितरण वाले प्रदेशों में एशिया महाद्वीप के ये तीन क्षेत्र आते हैं पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। इसके अलावा दूसरा नंबर आता है ये जो
यूरोप है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये भी सघन जनसंख्या फैलाव वाला प्रदेश है। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी, और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का सघन प्रसार वाला क्षेत्र आता है नील नदी क्षेत्र, कांगो व नाइजर नदी क्षेत्र, और दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी भाग। वैसे भी हमें पता है कि संसार में जो भी जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वो जनसंख्या ये जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के किनारों पर है। इसका मुख्य कारण कि किनारे हैं वो व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। सबसे पहले जब औपनिवेशिक काल के बाद ही यह जनसंख्या का विस्तार सबसे अधिक हुआ है, तो इन स्थानों पर अधिक विकास होने के कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई गई। तो ये था सघन जनसंख्या विभिन्न प्रदेश। उसके बाद आता है सामान्य जनसंख्या प्रदेश। सामान्य जनसंख्या प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जो यानी ऐसे स्थानों पर बसी जनसंख्या जो अनुकूल जनसंख्या कहलाती है, यानी स्थान और संसाधनों में अनुकूलता पाई जाती है। इस प्रकार के क्षेत्र सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश होते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे चिल्ली है, चिल्ली का एक घन क्षेत्र वाला या जिला वाला ये क्षेत्र जहाँ पे खनिज संपदा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब विकट परिस्थिति होते हुए भी यहाँ पर आय के साधन अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों पर सामान्य जनसंख्या है वो निवास करती है। उसके बाद आता है वीरन जनसंख्या वाला प्रदेश। ये संसार के 70% भूभाग है, संसार का 70% भूभाग जिस पर पूर्णतः 5% जनसंख्या ही निवास करती है। इसका मुख्य कारण है कि ये ऐसे प्रदेश है जहां पर वातावरण की दशाएं हैं वो मनुष्य के अनुकूल नहीं रहती, इस कारण वीरन जनसंख्या प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रदेश वैसे ये जो उत्तरी पूर्वी नहीं उत्तरी पूर्वी दक्षिण पूर्व प्रदेश है या सघन आर्द्र क्षेत्र है, शुष्क वन क्षेत्र है, मरुस्थल है, ऊंचे उच्चावच है, इन सब वाले क्षेत्र है वो वीरन जनसंख्या वाले प्रदेश के हैं। उसके बाद आता है अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहां का जल घनत्व है, जहां का जल घनत्व है 1% से भी 1% से भी कम पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र है कर्नाटक का, ये अलास्का का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र, साइबेरिया का क्षेत्र या अंटार्कटिक महाद्वीप का क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र है जिनको हम जल शून्य भी कह सकते हैं। कि न्यून का अर्थ है विराम, यानी न्यून जनसंख्या क्षेत्र, यानी बिल्कुल जनसंख्या नहीं होती है यहाँ पे, निर्जन क्षेत्र। तो ये जनसंख्या विभिन्न के आधार पर हम संसार को चार भागों में बांट सकते हैं। वो है सघन जनसंख्या विभिन्न प्रदेश, सामान्य जनसंख्या विभिन्न प्रदेश, वीरन और अति न्यून। इसके बाद आता है जनसंख्या समूह।
चार नंबर आता है अफ्रीकन, अफ्रीकी जनसमूह है। ये चार भाग और ये चार भागों की अलग अलग विशेषता है। सबसे पहले एशियाई जनसमूह, एशियाई जनसमूह है का चर्चा आपने लिटर में भी की थी। एशियाई जनसमूह है ये संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला एक प्रदेश है और इनमें एशियाई जनसमूह को हम तीन भागों में बांटते हैं और एशियाई जनसमूह में 10 डिग्री से यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। यानी एशियाई जनसमूह है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसके तीन भाग है। सबसे पहला भाग ही पूर्वी एशिया का भाग जो कि 50 डिग्री बीच है जिसे चीन है और ये जिसमें उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया जापान ये हो गए और दक्षिणी एशिया में भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान ये हो गए। पूर्वी एशिया में ये द्वीप समूह है वियतनाम कंबोडिया लाओस ये हो गए। ये एशिया महाद्वीप के मानसूनी प्रदेश यानी ये एक ऐसा प्रदेश है जो मानसून पर निर्भर करने वाला प्रदेश है जहां पर ज्यादातर लोगों का व्यवसाय आर्थिक व्यवसाय है और मानसून कृषि पर आधारित है। तो ये एशियाई जनसमूह हो गया। उसके बाद आता है यूरोपीय जनसमूह। तो यूरोपीय जनसमूह है ये यहां पर है यूरोप के उत्तरी पश्चिम भाग, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप और इसमें देख सकते हैं आपके यहां पे यूके है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इटली है, यूक्रेन है, फिर बेलारूस है, रूस है। ये क्षेत्र ऐसे हैं यूरोप महाद्वीप के जो जन समूह यूरोपीय जन समूह के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ की जो बसावट है, यहाँ की जो बसावट है वो ज्यादातर क्या है, नगरी है और ये ज्यादातर प्रदेश विकसित राष्ट्र है, ऐसे विकसित राष्ट्र है। उसके बाद आता है अमरीकी जनसमूह। अमरीकी जनसमूह में ये भाग आता है यानी उत्तरी पूर्वी अमेरिका और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग और यूएसए का उत्तर पश्चिमी भाग। यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था वाले ये प्रदेश है। यहाँ पे पॉपुलेशन का एक खास विकास हुआ है जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, औद्योगिक क्रांति है उसके बाद हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन का 70% भाग यूरोपियन जाति, यूरोपियन जाति के द्वारा इन प्रदेशों का विकास हुआ। अतः ये जनसंख्या प्रदेश है वो नगरीय बसावट वाले हैं, अति विकसित जनसंख्या के प्रदेश है। उसके बाद आता है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह में तीन भाग है। सबसे पहला भाग आता है ये जो नील नदी है यहां से निकलती है तंजानिया से और यहां आकर के ये भूमध्य सागर में गिरती है। इन क्षेत्र के बीच के ये जो राष्ट्र है जैसे मिस्र है, सूडान है, ये जो देश है वो घनी जनसंख्या वाले देश है, ये अफ्रीकी जनसमूह के पार्ट है। दूसरा ये जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका, बोलिविया, इधर जिम्बाब्वे, ये जो क्षेत्र है ये भी सकल जनसंख्या जनसमूह है। और इधर जाते हैं तो ये जो कांगो बेसिन, नाइजर बेसिन और ये यहां नाइजीरिया, ये क्षेत्र है वो सकल जनसंख्या वाले क्षेत्र है जिनको अफ्रीकी जनसमूह के अंतर्गत माना जाता है। तो थैंक यू। आज अपने अगला जो